एच है, जैसे देख सकते हैं ये भी 56 एच स्पीड रेटिंग है इसकी भी। YouTube फैमिली वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हैं कार्तिक कस्टम। सो आपने ये वीडियो देख के खोल ही लिया होगा टाइटल को देख के, तो आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा बेस्ट टायर होता है आपके कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये R18 रिम है, तो R18 की प्रोफाइल में बहुत ही कम टायर होते हैं। और जैसे मेरी गाड़ी ने 15,000 कंप्लीट कर लिया है, तो आपने इसके पहले एक वीडियो देखा होगा कि मैंने जो पीछे वाला टायर है उसको मैंने स्विच किया है, जो कि पिरेली फैंटम पहले आता था, अब बड़ी मुश्किल से आता है और अभी शायद वो डिसकंटिन्यूड ही हो गया, तो वो टायर कहीं मिल ही नहीं रहा है मार्केट में। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो आपको मिलता है, तो उसकी प्राइस थी लगभग 9,500 रुपये की पिरेली फैंटम। तो वो जो प्राइस थी 9,500 रुपये 130/70 के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज वो अच्छा था टायर। तो जब से BS6 गाड़ियाँ लॉन्च हुई है तो रॉयल इनफील्ड स्टॉक गाड़ियों में वही प्रोवाइड कर रहे हैं C8 जूम क्रूज, तो मैंने वही टायर पीछे लगाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों टायर अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी गाड़ी ने भी कंप्लीट कर लिया 15,000 किलोमीटर और अभी तक पिरेली का आगे वाला फ्रंट टायर अभी तक चल रहा था, बट ये है कि अब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, तो हमने फ्रंट टायर चेंज किया है C8 क्रूज ही सामने की तरफ, और ये कॉस्ट हमें पड़ा है लगभग 3500 का। तो ये मुझे भेजा गया है टॉर्क ब्लॉक कंपनी से, और टॉर्क ब्लॉक ये शायद चेन्नई बेस्ड है या बेंगलोर बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी रहती है उनके पास, लॉट्स ऑफ टायर की वैरायटीज रहती हैं, तो उनने मुझे ये भेजा है। और इसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी भेजा है, जो कि है WD40। और ये WD40 क्या है इसका यूज़, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसमें बहुत ही प्यारा सा उनने मैसेज भी लिखा है, हेलो कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग विद अस, होप यू लाइक अवर सर्विस, प्लीज डू लीव अ रिव्यू ऑन अ गूगल, होप टू सी यू सून, स्टे सेफ, रिगार्ड्स टॉर्क ब्लॉक। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के साथ, टीम के साथ वर्क करके, और छोटा सा इनका स्टिकर्स भी है जो कि मैं लगा दूंगा। तो अब आते हैं बात पे, इस टॉपिक पे, कि भाई कौन सा टायर सही रहेगा आपकी GT या इंटरसेप्टर के लिए। तो फटाक से इस क्वेश्चन में घुसते हैं, और पहला क्वेश्चन यही आता है कि C8 सेफ है। तो हाँ बिल्कुल C8 सेफ है, क्योंकि परफेक्ट स्पीड रेटिंग के हिसाब से ही ये टायर बनाया गया है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और अपने इंडिया में ये कहा गया है कि भाई अगर सस्ता है तो वो ख़राब है, जो महंगा है वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं C8 जूम क्रूज पीछे चला रहा हूँ अपनी बाइक पे और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है जितना पिरेली फैंटम को देख के लगता था कि आएगा, बट नहीं, C8 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी लिए मैंने फ्रंट भी C8 का ही मंगाया, क्योंकि भाई ये दोनों का सेट सिर्फ आपको 8,000 में पड़ जाएगा, 4,500 का पीछे का है, 3,500 का आगे का है। तो और अगर इसमें बात करें कि अगर कई लोग जो ऑफ रोडिंग करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग, जिसमें आपको वेट कंडीशन भी मिलेगी, कीचड़ भी मिलेगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑफ रोडिंग टायर ये नहीं है। ये टायर आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ है, इसमें ज़्यादा ग्रिप्स नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस टच करता है और आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है, और इसमें ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो अपने तो आपकी गाड़ी को अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड करेगा ये टायर। जहाँ तक कि आप दूसरे टायर देखेंगे तो उस टायर में, जैसे कि अभी रॉल्को का ब्लास्टर मेरे ख्याल से आ गया है R18 सेम स्पीड रेटिंग का, बट उसमें ब्लॉक्स हैं, तो वो क्यों काम आते हैं, क्योंकि वो 50% ऑफ रोड और 50% रोड के लिए बनाया जाता है, ताकि कीचड़ में आपको दिक्कत ना जाए। और सारी बातें आप सीधे मोटो ब्लॉग में करेंगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। तो ये है अभी मेरे पिरेली स्पोर्ट्स कॉम की कंडीशन, जो कि गाड़ी काफी अच्छे से 15,000 किलोमीटर चल गई है, आपको दिखाता हूँ। 13,070 दिखा रहा है, बाकी 1,500 से 2,000 रुपये बिना मीटर वायर के चली थी, क्योंकि हमारी गुगी जी ने काट लिया था। तो इसकी भी जो स्पीड रेटिंग है सब सेम है इससे भी, ये भी 190/18 है, ये भी 190/18 है, 56H है, जैसे देख सकते हैं ये भी 56H स्पीड रेटिंग है, इसकी भी 56H स्पीड रेटिंग है। अभी टायर बहुत गंदा हो गया, और
बाकी अब इसकी लाइनिंग भी ख़त्म हो रही है, तो मुझे और मेन सबसे टायर तो आगे ही वाला होता है ग्रिप के लिए, रोकने के लिए, ब्रेकिंग के लिए, तो आगे वाला हमेशा देख के आप इसको चेंज करा लें। तो सामने ही दुकान है, मैं वहाँ जाके इसको देता हूँ। ट्यूब टाइप है तो इसका भी ट्यूब हम निकाल लेंगे, जब कभी तैरने जाएंगे तो उसके काम आ जाएगा। बाकी नया ही पूरा सेटअप डलवाते हैं शॉप पर जाके। ओके, सो फाइनली टायर डल चुका है और आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल कैसी आ रही है, एकदम मस्त। गाड़ी भी हमने वॉश करवा ली है तो एकदम चमचमा ही रही है। तो अब टायर की आप कंडीशन देख सकते हैं भाई, एकदम ब्रांड न्यू है, तो ग्रिप तो बहुत अच्छी ही देगा। और इसमें ब्लॉक्स नहीं है, जो रॉल्को या ऑफ रोडिंग में ब्लॉक्स रहते हैं, तो उससे एक इशू जो आपको मैंने पहले बताया कि वो जल्दी हीट अप नहीं होते, ये ज़्यादा सरफेस को टच करेंगे तो सबसे ज़्यादा हीट होंगे। तो हाई स्पीड में ये स्टेबल रहते हैं, जो ब्लॉक वाले ऑफ रोडिंग टायर है वो हाई स्पीड में स्टेबल नहीं रहेंगे और कॉर्निंग के वक्त आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो बाकी ये टायर अभी पूरा लग चुका है, ये टायर भी अभी का है, जैसे इसमें लिखा है 0621, तो ये जून में ही बना है। तो अभी जून मतलब एक महीना ही हुआ है, तो ब्रांड न्यू टायर है। तो और मतलब रबर भी अभी सॉफ्ट ही है, तो क्वालिटी वाइज तो एकदम बढ़िया काम किया है टॉर्क ब्लॉक ने। तो अब सीधे चलाते हैं इसको और देखते हैं कि कैसा ग्रिप दे रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसी ब्रेकिंग आ रही है, कैसी लीनिंग आ रही है। तो अब सीधे मिलते हैं मोटो ब्लॉक पर। ऑलराइट, तो भाई गाड़ी अब सही से चल रही है, मैं बताऊँ। टायर ज़रूरी होता है बहुत, काफ़ी ज़्यादा चला लिया था मैंने, 14,000 किलोमीटर सिंगल टायर सिंगल रन। वो तो पहले ही इतना अच्छा था कि चल गया, पीछे वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने बर्नआउट टर्नआउट मारते हैं, तो बहुत जल्दी लाइफ ख़त्म हो गई थी उसकी। और अभी यहाँ ट्रैफिक से निकलते हैं, फिर मेन हाईवे में चेक करते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और कैसा क्या सारी चीज़ें हैं। सही है यार, आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया है। पहली काफ़ी यूज हो गया था तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसको चलाने पे आ रहा है। तो अभी आगे जाके हम ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, पीछे कोई याद तो नहीं रहा है, तो ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। बहुत सटीक यार, बहुत सटीक परफॉर्मेंस तो सही आ रही है। ऐसे देख रहे हैं क्या बताएं, यहाँ चेक करते हैं एक और ब्रेकिंग टेस्ट। 3, 2, गाड़ी 100 की स्पीड पे रुक गई, तो वेरी इफेक्टिव, बहुत सही। अब एक बचा है हमको हैंडल वॉबल इशू, जो कई लोग को आता है हैंडल वॉबल इशू, तो इसको हम कुछ स्पीड में लेके चलते हैं और हाथ छोड़ के देखते हैं कि हैंडल वॉबल होता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि हैंडल वॉबल आपकी गाड़ी में होता है कि नहीं। उन लोग का जनरली 80 तक में भी हो जाता है, बट इसमें चेक करते हैं। स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। और हैंडल वॉबल का एक इशू अलग ही होता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। टायर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई, वॉबल इशू कुछ नहीं है और ग्रिप भी अच्छी है। ख्याल से मेरे लिए या मेरा डिसीजन अगर आप मानेंगे तो आप सीएट के ही तरफ से जाएं, सीएट के ही आगे पीछे, जो कंपनी भी स्टॉक दे रही है तो मतलब सोच समझ के ही दे रही होगी कि भाई 200 किलो की गाड़ी और 160-180 की स्पीड चलना है, तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी टायर दे। तो मेरे ख्याल से तो भाई पहले ही जितना है, वैसा मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ रही है। और अगर आपको ऑफ रोडिंग टायर लेना है तो आप रॉल्को भी एक बार चेक कर सकते हो, उसका रिव्यू यूट्यूब में मैंने देखा कई लोग का अच्छा आ रहा है, तो वो ऑफ रोडिंग जैसे ये मिट्टी कीचड़ वाला एरिया है वहाँ पे वो काम करेगा, ये टायर उतना काम नहीं करेगा क्योंकि ये फुल स्लिप मारेगा। मैंने भी ऑफ रोडिंग किया था फैंटम के साथ ही, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। तो उसके लिए आप स्कॉर्पियन या फिर और भी मेटजलर के आते हैं, वो 15,000 के ऊपर रहते हैं टायर, वो आप ले सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके लिए प्राइस मायने रखती है, क्योंकि भाई बहुत हार्ड मनी अर्न करके हम पार पास पैसा आता है, तो उसको सोच समझ के लगाएं। 8,000 रुपये का सेट मेरे ख्याल से ये परफेक्ट रहेगा आपकी जीटी के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको 17 में शिफ्ट करना है, R17 में, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे टायर हैं,
जो कि मैं इन फ्यूचर करने वाला हूँ इस गाड़ी को पूरा R17, क्योंकि इसमें आपको टायर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, क्वालिटी भी मिल जाएगी और प्राइस पॉइंट में भी आपको वाइट टायर भी मिल जाएंगे। तो वो मॉडिफिकेशन आगे बहुत जल्द होगी, तो तब तक के लिए आप वेट करें। बागी क्या बागी, सब बढ़िया है। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।